मैगी की बहुत सारी रेसिपीज आपने घर पर बनाई होगी और खाई होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसी तरह से 6 अलग अलग तरह की मैगी की वैरायटी की रेसिपीज, जिसे आपने शायद ही कभी बनाया होगा और खाया होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैगी की रेसिपीज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन ले लिया है, सॉस पैन यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि काफ़ी जल्दी मैगी बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच तेल, तेल गरम हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा प्याज पतले स्लाइसेस में काट कर। प्याज के साथ थोड़ा सा पतले स्लाइसेस में इस तरह से गाजर काट कर मैंने डाल दिया है, और इसी के साथ थोड़े से शिमला मिर्च डाल दूंगी। तो करीब 1/3 कप मैंने तीनों चीज़ें यूज़ की हैं इसमें, और इनको करीब 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर लगातार चलाते हुए भून लें। ध्यान रखें कि इनका क्रिस्पीनेस बरकरार रहे, बस थोड़ा सा इसे भूनना है। और जैसे कि ये टोमेटो मैगी की रेसिपी है, तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर इस तरह से पतले स्लाइसेस में काट कर डाल दिया है। इसे भी बाकी सब्जियों के साथ भून लूँगी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी करीब 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, और इसके बाद डालूँगी 1.5 से 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस, और टोमेटो केचप डालूंगी करीब 2 बड़े चम्मच। तो इतने ही सॉसेस में यूज़ करूंगी और ये बहुत टेस्टी मैगी बन के तैयार होगा। यहाँ पर मैंने मैगी का जो टेस्ट मेकर है उसे डाल दिया है। 1 मैगी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो 1 टेस्ट मेकर मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से इसे मिक्स करके। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 कप पानी। तो मेजरिंग कप से मैंने 1.5 कप पानी इसमें डाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा करी की तरह मैगी बनाना चाहते हैं तो आप 2 कप पानी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर 1 मैगी इस तरह से लेकर इसे थोड़ा सा तोड़ कर डाल दूँगी, ताकि ये जल्दी से पक भी जाए। और इसे ढकना नहीं है, इसे इसी तरह से पकने दें। 2 से 3 मिनट में मैगी बन के तैयार हो जाएगा। वैसे तो टेस्ट मेकर में नमक होता है, साथ ही साथ जो मैंने सॉस यूज़ किया है उसमें भी नमक होता है, लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ियाँ यूज़ की हैं, तो चिटकी भर नमक इसमें डाल दूंगी टेस्ट बैलेंस करने के लिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मीडियम से हाई हीट पर मैगी को पकने दें। तो यहाँ पर ये देखिए 2 से 3 मिनट में टेस्टी टोमेटो मैगी बन के तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब सर्व करने के लिए इसे इस तरह से एक बोल में निकाल लूँगी, और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज उससे गार्निश कर लूँगी, तो दिखने में ये और भी ज़्यादा टेम्पटिंग दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा ये टोमेटो मैगी बनके तैयार है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी शेज़वान मैगी की रेसिपी। शेज़वान मैगी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सॉस पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है 2 चम्मच तेल। तेल गरम हो जाए उसके बाद 1 छोटा प्याज इस तरह से पतले स्लाइसेस में काट के डाल देना है। इसी के साथ थोड़े से गाजर मैं डालूंगी पतले स्लाइसेस में काट कर, और उसी के साथ साथ थोड़ी सी शिमला मिर्च। तो 1/3 कप मैंने तीनों सब्ज़ी ली हुई है, तो इनको थोड़ा सा भून लेना है तेज़ आंच पर। ध्यान रखें कि इनका क्रिस्पीनेस बना रहे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी कुछ सॉसेस। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है करीब 1.5 से 2 बड़े चम्मच सोया सॉस। इसके बाद इसमें डाल दूंगी 1 से 1.5 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच शेज़वान चटनी। शेज़वान चटनी आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको तीखा पसंद है तो शेज़वान चटनी थोड़ी सी ज़्यादा डालें। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 कप पानी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लें, और फिर इसमें मैं मैगी का एक पैकेट तोड़कर छोटे टुकड़ों में डाल दूंगी, और फिर इसे मीडियम से हाई हीट पर पकने के लिए छोड़ देना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सूपी टेक्सचर अगर आपको पसंद है मैगी में, तो पानी करीब 1/2 कप और इसमें आप डाल सकते हैं। अब आखिर में इसमें मैं डाल दूंगी मैगी का टेस्ट मेकर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। वैसे तो मसाले में सॉसेस में नमक होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा नमक इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि इसमें सब्जियों को यूज़ किया जाता है, सब्जियां पड़ती हैं इसमें, तो चुटकी भर नमक डाल दूंगी सिर्फ सब्ज़ी के हिसाब से, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जैसे कि मैंने कहा था, मीडियम से हाई हीट पर मैगी को पका लें। तो ये देखिए करीब करीब 1/2 पक चुकी है, और अब इसे इसी तरह से खोलने के लिए छोड़ दूँगी। मैगी में अगर आप माप से पानी डालें, तो पानी डालने के बाद ये मैगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में बनके तैयार हो जाती है।
और इसके बाद आप इसे गर्मा गर्म एक सर्विंग बोल में निकाल लें और फिर इसे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज उससे गार्निश करके इसे सर्व करें तो दिखने में बहुत टेम्पटिंग दिखेगी ये मैगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस मैगी को एक सर्विंग बोल में निकाल लिया है और इस समय ये काफ़ी गर्म है। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा सूपी टेक्सचर है इसमें, बट ऐसा नहीं है। जैसे ये हल्का सा ठंडा होगा ये पूरा ड्राई हो जाएगा मैगी। तो आप इस कंसिस्टेंसी तक मैगी को कुक करें और फिर इसे एक सर्विंग बोल में सर्व कर लें। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये शेजवान मैगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ग्रीन चटनी मैगी बनाने की रेसिपी, जिसके लिए एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है 2 चम्मच तेल और इसमें एक छोटा प्याज इस तरह से पतले स्लाइसेस में काट के डाल दूंगी और करीब उतना ही शिमला मिर्च को पतले स्लाइसेस में काट के ले लिया है। तो करीब 1/3 कप मैंने तीनों सब्जियों को यूज़ किया है। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने गाजर डाल दिया है और इन सब्जियों को तेज़ आंच पर 2 मिनट के लिए भून लें तो इससे सब्जियों में क्रिस्पीनेस बरकरार रहेगा, इसका क्रंचीनेस वैसे का वैसी बना रहेगा। 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच हरी चटनी। ये पुदीने वाली चटनी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, आप अपने पसंद की कोई भी चटनी इसमें यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जो कबाब के साथ चटनी सर्व की जाती है बिल्कुल वही चटनी यूज़ कर रही हूँ। इस चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 कप पानी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं कोई सॉस यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसके 2 कारण हैं, क्योंकि चटनी का फ्लेवर मुझे डाइल्यूट नहीं करना है और साथ ही साथ हरे चटनी का जो हरा रंग है इसके रंग पर भी असर पड़ेगा कोई भी सॉस डाल देने से। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ मैगी का टेस्ट मेकर डाला है, उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद एक मैगी लेकर उसे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सॉस पैन में डाल दूँगी और फिर इसे पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए और हमारी टेस्टी ग्रीन चटनी मैगी बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस और इसी के साथ मैं डाल दूँगी 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने चाट मसाला यूज़ किया है तो यहाँ पर मैंने अलग से नमक नहीं डाला है। अब इस मैगी को तेज़ आँच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। इस तरह से थोड़ा सा टैप कर लेने से मैगी जो है आसानी से टूट जाएगी और जल्दी पक जाएगी। ये देखिए हमारी ग्रीन चटनी मैगी दिखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। यहाँ पर मैंने विनेगर नहीं डाला था क्योंकि पुदीने की चटनी में नींबू डाला जाता है जिससे कि खट्टापन आ जाता है। अगर आप कोई दूसरी चटनी यूज़ कर रहे हैं जिसमें नींबू नहीं पड़ता तो उसमें आप ये मैगी बनाते वक्त 1 टेबल स्पून विनेगर डाल दें, जिससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, खट्टा फ्लेवर आ जाएगा इस मैगी में। तो सर्व करते समय इसे बारीक कटे हुए हरे प्याज से सर्व करिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी टेम्पटिंग लग रही है ग्रीन चटनी मैगी। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी इटालियन स्टाइल चीज़ मैगी, जो कि बहुत टेस्टी लगता है और एक इटालियन फ्लेवर के साथ ये मैगी का टेस्ट और खिल के आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है, साथ ही साथ डाल दिया है 1 छोटा प्याज पतले स्लाइसेस में काट कर, इसी के साथ डाल दूँगी थोड़ा सा शिमला मिर्च पतले स्लाइसेस में काट कर और थोड़ा सा पतले स्लाइसेस में कटा हुआ गाजर। इन सब्जियों को तेज़ आंच पर 2 मिनट के लिए भून लेना है। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 मैगी टेस्ट मेकर का पैकेट इस तरह से, तो इसका पूरा पाउडर सॉस पैन में डाल दूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर कोई सॉस का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर चीज़ में इस टेस्ट मेकर का फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा। बस इस मैगी को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस डाला है और अब 1 पैकेट मैगी इस तरह से लेकर इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इस तरह से सॉस पैन में डाल दूंगी। थोड़ा सा तोड़ लेने से मैगी जल्दी पक जाती है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और फिर यहाँ पर मैंने 2 स्लाइस चीज़ के लिए हुए हैं और इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसे डाल दूंगी। अगर आपके पास चीज़ क्यूब है तो उसे भी आप छोटा छोटा टुकड़ा काट कर डाल सकते हैं, या तो करीब 1/2 कप ग्रेट करके डालें। पहले तो गर्म पानी में जाने के बाद ये चीज़ पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये मैगी कुक होगी और ये पानी जैसे जैसे सूखता जाएगा ये चीज़ जो है एकदम सॉस की तरह मैगी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, चीज़ सॉस की तरह उसका इफ़ेक्ट आ जाएगा इस मैगी में। फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच ओरिगैनो डाल दिया है, या तो पिज़्ज़ा सीजनिंग आप इसमें यूज़ कर सकते हैं या पास्ता सीजनिंग यूज़ कर सकते हैं,
इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनके पसंद के हिसाब से चिली फ्लेक्स अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने तेज़ आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। पकने के बाद चीज़ मैगी का टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा, एकदम चीज़ में लिपटा हुआ ये मैगी बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स से मैं इसे गार्निश कर लूँगी और साथ ही साथ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज इसमें डाल दूँगी, तो दिखने में बहुत टेम्पटिंग दिखेगा ये। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी टेस्टी चीज़ मैगी बन के तैयार है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी हॉट बर्न्ड गार्लिक मैगी की रेसिपी। हॉट बर्न्ड गार्लिक मैगी बनाने के लिए सॉस पैन में मैं डाल दूंगी 2 चम्मच तेल और इसमें मैं डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे थोड़ा सा भून लें। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 हरी मिर्च इस तरह से बारीक काट कर डाल दी है, जिससे अच्छा तीखापन आएगा और लहसुन से जो बर्न्ड गार्लिक का फ्लेवर है वो आएगा। तो लहसुन को यहाँ पर सबसे पहले तो एकदम ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, जिससे अच्छा बर्न्ड गार्लिक का फ्लेवर आएगा। तो इसे इस तरह से पहले तो भून ले अच्छे से। तो यहाँ पर ये देखिए, लहसुन भुना जा चुका है, काफ़ी लाल हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा प्याज पतले स्लाइसेस में काट कर। इसी के साथ साथ डाल दूंगी थोड़ा सा शिमला मिर्च पतले स्लाइसेस में काट कर, थोड़ा सा गाजर पतले स्लाइसेस में काट कर। इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, 2 मिनट के लिए इनको भून ले, बस थोड़ा सा फ्राई हो जाए। इनका कुरकुरापन वैसे ही बना रहे इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, इसीलिए इन सब्जियों को तेज़ आंच पर आपको फ्राई करना है। तो इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लें। अब इसमें डाल दूंगी 1.5 कप पानी। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर ले सारी चीज़ों को। इसमें अब मैं थोड़े से सॉस डालूंगी, जैसे कि 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस इसमें डाल दूंगी। थोड़ा स्पाइसी बनाना है इसलिए रेड चिली सॉस इसमें मैंने ज़्यादा यूज़ किया है। और अब एक मैगी लेकर इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसे डाल दूंगी इस तरह से, और फिर तेज़ आंच पर मैगी को पूरी तरह पक जाने तक इसी तरह से पकने दें। अब इसमें 1 पैकेट मैगी का जो टेस्ट मेकर है उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा गार्लिक की फ्लेवर और बढ़ाने के लिए इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच शेजवान चटनी। शेजवान चटनी में लहसुन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर शेजवान चटनी यूज़ किया है। साथ ही साथ अच्छा तीखापन देगा ये इस मैगी को। ज़रा सा नमक डाल दूंगी सब्ज़ी के हिसाब से। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि मैगी हमारी अच्छे से पक कर तैयार हो गई है। ये हॉट बर्न्ड गार्लिक मैगी बहुत टेस्टी लगता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ये मैगी एकदम अलग अलग नूडल्स की तरह बनकर तैयार होगा। तो अब इसे मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी और सर्व करते समय ऊपर से थोड़ा सा सफ़ेद तिल से गार्निश कर लूँगी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज, तो दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग दिखेगा ये। तो यहाँ पर यह हमारा हॉट बर्न्ड गार्लिक मैगी बनके तैयार है। जिनको तीखा थोड़ा पसंद है उनके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इसका। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मैगी सूप बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हॉट एंड सार मैगी सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई का यूज़ किया है। इसमें डाल दूंगी 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल और इसमें अब मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन इस तरह से बारीक काट कर। इसे थोड़ा सा भून लेना है। इसी के साथ साथ डाल दूंगी 1 टेबल स्पून अदरक बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च इसमें डालूंगी मैं, जिससे कि हल्का सा तीखा फ्लेवर आएगा इस मैगी में। इनको पहले अच्छे से भून लें। और दूसरी तरफ मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर तैयार रखा हुआ है, उसे डाल दूंगी। तो सबसे पहले तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लें ताकि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। इसका रंग ना बदलने दें, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। अब यहाँ पर मैंने ये बारीक कटा हुआ हरा प्याज डाल दिया है, इसे भी हल्का ट्रांसल्यूसेंट होने तक फ्राई कर लूँगी। आँच को मैंने तेज़ फ्लेम पर रखा हुआ है, तेज़ आँच पर ही सब्जियों को पकाएं। इसके साथ मैं डाल दूँगी 1/2 कप बारीक कटा हुआ गाजर और 1/2 कप शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। तो सब्ज़ी आप अपने मनपसंद की इसमें डाल सकते हैं। आगे आप चाहें तो थोड़ा सा फ्रेंच बीन्स डाल सकते हैं, थोड़ा सा बेबी कॉर्न डाल सकते हैं। तो इस तरह से सारी सब्जियों को डाल के
करीब 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर भून लें। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी 1 लीटर के करीब पानी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें मैं कुछ सॉस डालूंगी, जैसे कि 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें डालूंगी, 2 से 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस इसमें डाल दूंगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है, इसके बाद ये सोया सॉस इसमें डाल दिया, ये रेड चिली सॉस डाल दिया। इसी के साथ साथ इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, जिससे कि इसका फ्लेवर जो है बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस का यूज़ किया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाकी किसी मैगी में मैंने विनेगर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैगी के टेस्ट मेकर में खट्टापन होता है। फिर जो भी हम सॉसेस यूज़ करते हैं उसमें भी खट्टापन होता है, इसलिए मुझे ज़रूरत ज़्यादा खट्टा नहीं बनाना था। तो यहाँ पर क्योंकि मैं सूप बना रही हूँ, तो इसमें मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून विनेगर डालूंगी। और अब मैंने यहाँ पर मैगी का टेस्ट मेकर डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। इसके बाद इसमें डाल दूंगी 1 पैकेट मैगी, इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालूंगी। नॉर्मल मैगी जो हमने बनाई उससे ज़्यादा इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करके करीब 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही ये मैगी पक जाएगी, उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, आधा कप पानी में घोल के उसे डालूंगी, जिससे कि अच्छा टेक्सचर आ जाएगा सूप में। जिस तरह से हल्का सा गाढ़ापन होता है रेस्टोरेंट के सूप में, उसी तरह से ये सूप बन के तैयार होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर का घोल बना लिया है। ध्यान रखें कि बिल्कुल भी गुठलियाँ इसमें ना हो, और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके इस सूप में मैं डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा मैगी सूप बनके तैयार है। इसमें आखिर में डाल दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब विनेगर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और करीब 2 मिनट के लिए इसे और पका लूंगी। आखिर में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज डाल दूंगी, तो दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिखेगा ये मैगी सूप, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो यहाँ पर हमारा टेस्टी मैगी सूप बनके तैयार है। हॉट एंड सार फ्लेवर का मैंने मैगी सूप बनाया है। आप अपने पसंद के किसी भी फ्लेवर का मैगी सूप बना के तैयार कर सकते हैं। और अब इसे मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। इसके बाद इसे सर्व करते समय ऊपर से थोड़े से फ्राइड नूडल्स और थोड़े से और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करूँगी। तो ये दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग दिखेगा और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसमें फील आएगा। तो ये देखिए हमारा मैगी सूप कितना टेम्पटिंग लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से फ्राइड नूडल्स मैंने डाल दिया और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज। तो ये देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसमें लुक आ गया है। तो आप इन मैगी की रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।